हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन ब्लॉगर स्मृति में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मृति। आज मैं सैटरडे का ब्लॉग कर रही हूँ और अभी बज रहा है 12:30 और मैं ब्लॉग कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ अभी डी मार्ट शॉपिंग के लिए, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तो चलिए हम दिखाते हैं कि हम क्या ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। तो मैं डी मार्ट पहुँच चुकी हूँ और अब मैं शॉपिंग करूँगी। बहुत रश है आज यहाँ पर। अभी बारिश बंद हुई तो और सब अभी यहाँ पर शॉपिंग के लिए आ गए, क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश हो रही है काफ़ी दिनों से। इसके कारण बहुत मुश्किल से निकलती हैं और आज दोपहर में बारिश बंद हो गई और सैटरडे भी है तो बहुत भीड़ है। और सामान भी यहाँ काफ़ी अच्छा मिल जाता है रीज़नेबल रेट में, काफ़ी अच्छा ऑफ भी मिलता है, तो इसलिए भी फाइनली आज मेरी शॉपिंग हो गई। बाहर बहुत बारिश थी, जब मैं यहाँ से गई ना तो इतना बारिश नहीं था, लेकिन जब रास्ते में पहुँची ना तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज थी। और मैं डिमांड भी की ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है, तो वहाँ से मैं ग्रॉसरी की शॉपिंग कर लाई हूँ और आके चेंज भी कर लिया, लंच बना लिया, लंच खाके पूरा काम कम्प्लीट कर लिया। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या सामान खरीदा है। वहाँ पे बहुत भीड़ था, बहुत बीमार थी, और बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा मौसम खुला था कुछ देर के लिए, तो काफ़ी भीड़ हो गई, लेकिन बारिश फिर से हो गई थी। बारिश तो बहुत ज़्यादा तेज होती है तो बंद होने का नाम नहीं मिलता, लग जाता है, पानी आते ही रहता है, बहुत ज़्यादा बारिश है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान खरीदा है डी मार्ट से। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये सूट, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। मेरी सिस्टर ऑनलाइन इसका काम करती है तो उन्होंने मुझे भेजा है। ये बनारसी कॉटन सिल्क में सूट है, बहुत ही प्यारा है, मर्जेंटा और ब्लू कलर में है। मर्जेंटा कलर का इसमें ये टॉप है, ऊपर का कुर्ता है और बॉटम जो है वो ब्लू कलर का है। ये फ़ोटो में इतना क्लियर नहीं आ रहा है, ब्लू कलर एग्जैक्टली ऐसा कलर नहीं है, हल्का सा कार्बन ब्लू से थोड़ा सा लाइट कह सकते हैं वैसा कलर है। और ये इसका बॉटम है और उसके साथ ये चार बटन भी मिले हैं हमें, जो कि हम पैंट अगर बनवाएं तो उसमें लगा सकें। और ये दुपट्टा है, दुपट्टा भी बहुत बहुत औसम है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। ये देखिए पूरा सूट, अगर आपको अच्छा लगा और आपको भी अगर लेना हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप परचेज कर सकते हैं। यह मेरी डी मार्ट की शॉपिंग, ये मैंने ली है 3 डिब्बी जो मैंने ली है चटनी वगैरह रखने के लिए। ये 3 आई हैं 35 रुपीज़ की और काफ़ी सुंदर कलर है, अच्छी सी दिख रही है, छोटी क्यूट सी। और ये मैंने लिया है मदर्स का प्रीमिक्स कढ़ाई पनीर का, ये बहुत टेस्टी बनती है इससे कढ़ाई पनीर, आप कभी ट्राई कर सकते हैं। ये 50 रुपीज़ का पैकेट है, लेकिन ये ऑफ़र में बाय वन गेट वन फ्री था इसलिए 25 का पड़ा है। और ये बहुत अच्छा रहता है, अचानक कोई गेस्ट आ जाए हम बना सकते, एकदम मार्केट का टेस्ट रहता है। ये है वेज बिरयानी का, ये भी सेम रेट का है और इससे भी बहुत अच्छी बनती है, मैं आपको इससे बना के दिखाऊँगी, बहुत यम्मी बनती है, एकदम मार्केट जैसी। ये है वेफर्स, ये मेरे हस्बैंड की चॉइस, इनको बहुत पसंद है। और ये हैं हाइड एंड सीक के चोको रोल्स, ये अच्छे हैं खाने में, मुझे जैसे चॉकलेट चीज़ कम पसंद आती है, चॉकलेट वगैरह के सामान, लेकिन हाँ ठीक लगा खाने में। और इसका ये अलग अलग पैकेट में है इसलिए इजी है ऐसे बच्चों के लंच वगैरह में रख के देना, अच्छा है। और ये है अमूल का गार्लिक हर्ब्स बटर, ये काफ़ी बहुत टेस्टी है, बिल्कुल डोमिनोज़ का जो गार्लिक ब्रेड आता है उसका टेस्ट आता है इसमें। अगर आपने ट्राई नहीं किया है ना तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत यम्मी है एकदम। और ये है मियोनी, ये मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ एगलेस मियोनी, मैं ट्राई करूँगी फिर बताऊँगी कि इसका टेस्ट कैसा लगा। और इसके बाद है ये बर्मिसली, ये हमने बर्मिसली लिए हैं, ये अच्छी बनती है इसकी, बहुत टेस्टी है। अगर आपके पास घर की बनी हुई नहीं है और आप तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, अच्छी भी बनती है बनाने में।
और ये है पॉपकॉर्न, ये है आटा नूडल्स, पार्ले जी, ये बहुत टेस्टी है। इतना पुराना बिस्किट है सब है, लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। ये रस्क, और ये आलू भुजिया, ये है मेरा फालतू वाला सामान, और ये है ग्रॉसरी आइटम जिसमें मूंगफली, साबूदाना, शक्कर, चौली, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। मैं बना रही हूँ डिनर, डिनर में बनाने वाली हूँ आज मैं वेज बिरयानी, जो मदर्स का वेज बिरयानी पैकेट लाई थी उसी से बनाऊँगी। और उसके लिए मैंने इसमें डाला है वे लीफ, एक लौंग, और मैंने प्याज डाला है लंबा काट के। अब प्याज को भूंज लूँगी, भूनने के बाद इसमें मैंने वेजिटेबल्स डाली हैं, कैरेट, कैप्सिकम, फ्रेंच बीन्स। मेरे पास कॉलीफ्लावर वगैरह नहीं था तो मैंने नहीं डाला, अगर आपके पास है और आपको पसंद है तो आप डालिए, लेकिन मेरे पास मैंने नहीं डाला। मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालकर इसको सॉटे कर लूँगी, थोड़ी देर के लिए इसे ढक के रख दूँगी। और इसके बाद मैं ये मदर्स का जो मैंने वेज बिरयानी ले के आई थी इसको निकाल लूँगी, और ये कुछ ऐसा दिखता है। और थोड़ा सा इसको लेके और 2 टेबल स्पून कर्ड में इसको मिक्स करूँगी। 2 टेबल स्पून दही लिया, उसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला मिक्स करके मैंने ये इसमें डाल दिया। ये हमारी सब्जियाँ अच्छे से पक गई थी, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के कंसिस्टेंसी एडजस्ट करूँगी। मसाला अच्छे से भुन गया, उसके बाद मैंने इसमें बॉइल्ड राइस डाले हैं। बॉइल्ड राइस डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे ढक कर रख दूँगी। वेज बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है और बहुत यम्मी सी दिख रही है। और ये है दही, मैंने दही लिया है वेज बिरयानी के साथ, दही बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ लिए नमकीन, और अब इसके साथ मैं खाऊंगी, यम्मी यम्मी। मैं डिनर कर चुकी हूँ और मेरा सारा काम हो गया है, अब बस मैं सोने के लिए ही जा रही थी। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं खत्म करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।